हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर चूहे से परेशान हो रहे हैं तो आप बिना मारे चूहे को किस तरीके से भगा सकते हैं, वो भी एकदम बहुत ही अच्छा तरीका लेके आए। सीक्रेट तरीका तो आपको ये नहीं मालूम होगा, अक्सर सभी के घरों में चूहे होते हैं, आपके बच्चों के कॉपी किताब या बहुत ही ज़्यादा अच्छे कागजातों को काट देते हैं, या आपके कबड़ में घुस जाते हैं, या आपका अनाज का भी नाश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। कहीं पर भी आप बोरी कट्टे रखोगे तो उनको भी बहुत ही जल्दी ख़राब कर देते हैं चूहा है जो, तो उसके लिए आपको ये सीक्रेट तरीका है। आप इस तरीके से आपके चूहे हैं घर में तो उनको बिना मारे भगा सकते हैं। इस रेमेडी को आप इस तरीके से तैयार करेंगे तो ये आपके चूहे को दोबारा घुसने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। चूहा एक बार अगर आ गए तो वो दोबारा या आने की बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं। बिना मारे आप इस तरीके से भगा सकते हैं चूहों को। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेना है बेसन ले लेना है और उसमें थोड़ा सा डाल देंगे घी, तो घी की खुशबू से है तो बहुत ही जल्दी महक से चूहे आते हैं इसके पास में। तो आपको इसी तरीके से बना के तैयार करना है, ये तरीका बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है। तो थोड़ा सा डाल देंगे इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे, मीठा सोडा अक्सर सभी के पास मिल जाता है, आधी चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे। इसमें निरमा पाउडर, आप कोई सा भी डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हैं। तो इनको सबको अच्छे से मिक्स करके और आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी से इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। आपको बिल्कुल भी इसको सूखा नहीं रखना है, कोई भी आपको इसकी गोली बना के नहीं रखनी, केवल आपको इसको इस तरीके का लिक्विड फॉर्म में कर लेना है। और आप इस तरीके से ये आपके चूहे को आप परमानेंट के लिए भगा सकते हैं। जहाँ पर भी अगर आपके चूहे हैं जो जहाँ नुकसान ज़्यादा करते हैं तो वहीं पर ये ट्राई करें, और आप एक या दो बार रखोगे दोबारा आपके चूहे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जहाँ पे भी अगर चूहे थोड़ा सा रास्ता भूल भी जाएं, अगर इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप ये बना के, तो एक हमने आपको कोई भी ताज़ा या बासी रोटी जो भी अगर आपके पास है वो ही ले लेनी है, और उसके ऊपर आपको चुपड़ देना है, इसको बिल्कुल अच्छी से कोटिंग कर देनी है। और कोटिंग करने के बाद में बिल्कुल इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। जहाँ पे भी चूहे हैं तो आप वहीं पे रख दें या वहीं पे आप इसको डाल दें। चूहा इसकी जो घी की महक है या आप इसकी इतनी महक आती है बेसन की, तो इसकी खुशबू को सूंघ के चूहे इतने भागे आएंगे दोबारा है तो वे ऐसे दौड़ लगाएंगे कि दोबारा आने का नाम नहीं लेंगे चूहा है जो। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके जल्दी से फॉलो करें, लाइक शेयर करें, वहाँ पे भी आपको नई नई रेमेडी और रेसिपीज देखने को मिलेगी। और आपको कौन सी रेमेडी या रेसिपी पसंद है तो आप हमारे को कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से आपको रोटी के टुकड़े कर लेने, आप देख सकते हैं इसको अल्ट पल्ट करते हुए आपको अच्छी से चिकनी इसको चुपड़ लेना है, जो भी हम इसका बैटर बनाए थे उसका मिक्स तैयार किए हैं। तो इसको आप थोड़ी सी देर के लिए रखोगे, रात को आपको चूहा है जो आके और इसको खाने की कोशिश करेंगे, खा के ऐसे दौड़ लगाएंगे कि दोबारा घर में आने की सोचेंगे भी नहीं, और बिना मारे चूहे को भगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रेंड्स। हम तो जब भी अगर चूहे कहीं दिख जाते हैं तो हम इसी रेमेडी से बना के ट्राई करके और इसी से हम चूहे को भगा देते हैं, तो हमारे घर में बहुत ही कम चूहे आते हैं, हमारे बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं। तो इस तरीके को आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा तरीका है आपको चूहे को भगाने के लिए। और क्योंकि अनाज की उनको खुशबू बहुत ही ज़्यादा आती है तो इसके लिए हमने रोटी ले ली है, रोटी के ऊपर हमने लगा दिए इसको, बड़ी अच्छी तरीके से इसको चुपड़ दिए हैं। थोड़ा सा इसको सूख जाने दें, फिर बाद में इसको रख दें। तो आप इसको छोटे छोटे टुकड़े करके जहाँ पे भी आपको चूहे अगर आपको नुकसान कर रहे हैं तो वहीं पे रख दें इसको। आप ये सबसे पहले तो आपको रखना है कि मेन गेट पे जहाँ से आपके अंदर चूहे आते हैं तो उसी पे रखना है आपको, वहीं पे रखना है। अगर थोड़ी सी दराज में अगर छेद रहता है तो वहाँ से चूहे अंदर घुस जाते हैं, तो वहीं पर आपको रख देना है इसको। और अगर आपके कहीं पर भी अनाज की बोरियाँ रखी है तो उनके बीच में भी आपको छोटे छोटे टुकड़े करके इसको डाल देना है। और आप इस तरीके से आप अपने बिना मारे चूहे को भगा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।